नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपंक प्रथम हेडलाइंस लालकिला जिबे गृहमंत्री अमित शाह आहत पुलिस को मध्य भेटिबे हिंसा कराइथिबा विरोध रे हेबो देशद्रोह मामला ट्राक्टर रैली रे हिंसाकांड परे चासी संगठन रे फाटो आंदोलन रु हटिले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ओ भारतीय किसान यूनियन हिंसा पाई 200 लोक को हिफाजत को नेला दिल्ली पुलिस आईन रक्षक हाथ में लगला हाथकोड़ी दादा बटी आदाय अभियोग रे एसआई सत्यवान गिरी गिरफ 9000 टंका लांच नेउथिबा समय रे गिरफ कला विजिलेंस फांडी ओ बासा भवन रे चढ़ाउ जारी अल्पके बढ़ते 40 यात्री बौद्ध जिला पुरुणा कटक 57 नंबर जातीय राजपथ रे हाईवा को पचपटु धक्का देला जात्रीबाई बस 4 जन यात्री आहत आहत को पुरुणा कटक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करा जाय झड़ीगला झराफुल सीसीटीवी रे कैद झराफुल मृत्यु रहस्य भुवनेश्वर अध्यापक झी जन्मदिन में जोग देवाक आसी निखोज हो जाते रमादेवी छात्री जाजपुर मृतदेह उद्धार मो गुहाल योजन घोटाला पक्का घर ना उठी लक्ष लक्ष टा हिताधिकारी अजानत पूरी बेदरपड़े चली कारबार देखा पूरी अर्गस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट साहा हेलानी सहारा इंडिया कोरापुट दामनजोड़ी ऑफिस घेरिले 50 रु अधिक निवेशक 18 कोटी टंका देबारे विलंब अभियोग आज श्रीमंदिर में श्रीजीव मानकर पुष्पाभिषेक नीति नित्य पूजा पर नूतन वस्त्र भूषण और गंध द्वारा यात्रा मंडप को जिबे महाप्रभु अभिषेक उत्सव दर्शन रही विश्वास एबे देखिबा संपूर्ण खबर मंगलबाटर ट्रैक्टर परेड रे होइतिबा हिंसा परे तीनोटी कृषि आईन विरोध रे चालीथिबा आंदोलन रे व्यापक फाट सृष्टि होची कृषक संगठन माने फेब्रुवारी 1 रे संसद भवन पर्यंत पदयात्रा को बंद करछंती केन्द्र बजेट 2021-22 उपस्थापित हेबा समय रे एही पदयात्रा पई योजना होइतिला तेबे सेमाने बुधवार दिन कहिछंती जे चासी आईन विरोध रे आंदोलन जारी रहिबो एवं शांति या सहित अहिंसा उपरे गुरुत्व देवाई जानुरी 13 रे महात्मा गांधी मृत्यु बार्षिकी सारा देश में साधारण सभा एवं भोक उपास अनुष्ठित होबार जहां सूचना रही तेबे आज लालकिला जिबे गृहमंत्री सूचना अनुसार दिन प्राय 12 स्थिति समीक्षा पाई जिबे अमित शाह यापर आहत पुलिस को भेटिबा को जिबे सिविल लाइन हॉस्पिटल जेउठी आहतों चिकित्सा चलुछि सेपटे ट्रैक्टर टेरर पर एक्शन मोड रे गृह मंत्रालय तेज संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित नुआ दिल्ली जोड़ी प्रतिनिधि गगन विश्वाल गगन लालकिला जिबे गृहमंत्री अमित शाह आहत पुलिस को मध्य भेटिबे हिंसा करथिबांक विरोध रे हेबो देशद्रोह मामला पूरा अपडेट कोन आसुछे हाँ देखो विस्मी बर्तन कौटना कौटे आक्शन मोड में पूरा दिल्ली पुलिस रही अनेक जगार एवं भी इंटरनेट सेवा गत काली 24 घंटा पर्यंत कहला 24 घंटा पर्यंत बंद रही कि अनेक जगार एवं भी खास करी शाहीनबाग कथा कहतु लालकिला कथा कहतु बा जो बॉर्डर एरिया रही जगार बर्तमान इंटरनेट सेवा बंद कराई या सहित हरियाणा यार प्रभाव देखा मिली हरियाणा सरकार जो बॉर्डर एरिया रही खास कर 4-5 जिले में बंद करछन्ति वर्तमान चासी आंदोलन अपडेट कथा कह चाहे वर्तमान बागपत जो यूपी बागपत रही सेठार कृषक मैंने धारणा बसी गत काली मैंने कही रखा चाहे दिल्ली में धारणा जो चाषी मैंने संपूर्ण रूपे दिल्ली छाड़ सारी किंतु बॉर्डर रही गत काली राति सारा से बॉर्डर रात्रि अनिद्रा थे काले पुलिस आक्रमण पुलिस आक्रमण करपारे गोटे प्रकार सन्देह व्यक्त करते कि पुलिस कहवा कथा चाषी आम के आक्रमण पूर्व करूँ कि चाषी को कौन सी प्रकार आटाक कर चाषी जो सुजोग दि जाता चाषी कौटना कौटे विश्वासघात कर सत कितु पुलिस के विश्वासघात करत काली प्रेस कन्फरेन्स एक दिल्ली पुलिस कमिशनर कहते
जहाँ भी पुलिस कार्यानुष्ठान हम ता पूर्व नोटिस हम कहीं बर्तमान देखिए पाखापाखि 60-70 जन जो चाषी नेता सहित अनेक गुड़े लोक नोटिस करा जाय सारछि एवं दुई दिन भितर जवाब मागिं कहीं जो प्रतिश्रुति 37 जो MU होता चाषी और दिल्ली पुलिस मध्य कहीं विचु देखाला कहीं उल्लंघन कले कहीं मानिले ना यार प्रकृत कारण कौन यार उद्देश्य कौन थी दिल्ली पुलिस छवि खराब कर उद्देश्य ना आउ किसी हीन चक्रांत रही तेणु याप जवाब मागिंट तेणु या बड़ कथा हूँ बर्तमान लालकिला को 31 तारीख पर्यटन बंद कर दी गत काली संस्कृति मंत्री जे रही प्रहलाद सिंह जोशी सी सीधा सड़क जाते घटना संपर्क में स्थिति परखी एवं परवर्ती पर्यायर पूरा घटनार चक्र कौन रही केते डैमेज होती या को नहीं सीधा सड़क से एक रिपोर्ट देखते गृह मंत्रालय को एवं गत काली संध्यार जो गुरुत्वपूर्ण बैठक होता यार ठीक पर प्रेस कन्फरेन्स रखा से ही आधार में अमित शाह गृहमंत्री जे रही से निजे वर्तमान लालकिला जावाई वर्तमान प्रस्तुति आरंभ कर लालकिला जी अपराह परवर्त पर्यायर गुरुत्वपूर्ण बैठक पुणी आज थे डाक पारती कहीं आग को बजेट अधिवेशन रही आ मात्र दुई दिन पर बजेट अधिवेशन रही तेणु पुणी थे सुरक्षा व्यवस्था किभली भाव कौन ढिला न हुए से पुलिस रोड मैप तैयारी कर सारी अंपटे देखिए किसी चाषी संगठन डिक्लेयर कर सारे जो बजेट दिन बजेट अधिवेशन दिन जो पैदल मार्च थिला संसद भवन पर्यंत से विथड्र करते किंतु पूरा चाषी संगठन 40 अधिक चाषी संगठन रही समस्त सोमोट कौन मत रही आज हूँ तो चित्र स्पष्ट हो पाए किंतु अनेक चाषी संगठन कहीं भितर गोटे विभाजन सृष्टि दुईट चाषी संगठन बर्तमान संपूर्ण रूपे विथड्र करते कौन हिंसात्मक घटना जो घटला तेणु आम आउ स्ट्राइक को जीवना किंतु से परवर्त कार्यानुष्ठान कौन कहीं भारतीय जो रही किसान यूनियन संघ से डिक्लेयर करते 30 तारीख दिन पूरा भारत वर्षे सबू चाषी संगठन सहित साधारण बैठक हे जेहेतु से दिन एक गुरुत्वपूर्ण दिन रोचे परवर्त पर्यायर कौन आगामी स्टेप नहीं कितु आंदोलन से जारी रखे तेणु ये भितर सबू चाषी संगठन भितर जो एकता थी से एकता रोचे कि ना कहीं जेहेतु पुलिस आक्शन मोड्रे आणु पुलिस आक्शन को जो मैंने घटना घटना को दुर्घटना रूप देवा चेषा करते निश्चित समानक मन में कौटिना कौटी भय रही कहीं भाव ट्रैक्टर आसला ट्रैक्टर जो पेट्रोल यूज होती जो डीजेल यूज होती तार फंडिंग किए कला चाषी मैंने जी कहते पाखे अर्थ ना तेणु फरेन फंड आसी कि ना तेणु अनेक गुड़े कथ आग को उन्मोचन हो पुलिस से ही आधार में निजर जो इन्वेस्टिगेशन निश्चित भाव पुलिस से ही दिगरे आग को बढ़ो तेणु बर्तमान CCTV फुटेज आधार में ही गोटे पर गोटे कथ सामना जनपर जनक ना FIR रुजू करा जनपर जन को नोटिस कराई तेणु या भितर आज अपडेट हूँ लालकिला जिते गृहमंत्री जी गृहमंत्री कौन इंस्पेक्शन करते परवर्त कौन इंस्ट्रक्शन दौरान तापर नजर हो गोटे राउंड देखापी चाहिए आप देखिपे बर्तमान मंडी हाउस में बर्तमान अच्छी बर्तमान मंडी हाउस स्थिति बे स्वाभाविक रोची कहीं ये गोटे सेंटर पॉइंट ये ही अनेक पार्लियामेंट मात्र गोटे किलोमीटर भितर ही सुप्रीम कोर्ट मात्र 500 मीटर भितर ही आसूँ तेणु ये एरिया संपूर्ण भाव स्वाभाविक रही अनेक एरिया स्वाभाविक रही मात्र केतेक जगार जो सुरक्षा दृष्टि केवल केतेक जगार रेस्ट्रिक्शन रही कि जो बॉर्डर एरिया था खास कर उत्तर प्रदेश दिल्ली गत काली स्वाभाविक हो सारी बिस्मी निहाते रे गगन सबुठ बड़ कथा होची जो भाई भाव में गणतंत्र दिवस रे गणतंत्र सह गदारी होता एवं जहां मध्य आज सूचना आसी तार समीक्षा करा जिबो एवं हिंसा करथिबां को विरोध रे हेबो देशद्रोह मामला बोली जा सूचना रही लालकिला जिबे गृहमंत्री अमित शाह बहुत बहुत धन्यवाद गगन आप समस्त सूचना पाए। आज भोर सकाळु भैसा गाँव में मर्मतुत सड़क दुर्घटना चारिज व्यक्ति निकट गाँ धुबलपड़ा को छणा आने को जाता समय कलेज छक विपरीत दिग्वर एक डम्फर गाड़ी धक्का दुर्घटन चारि गोर मृत्यु होता बेले अन्य दुई गोर गुरुतर आहत होती तीन जन व्यक्ति गुरुतर अवस्था से बलांगीर डाक्तरखाना को स्थानातरित करतीपूरण दावी नहीं स्थानीय लोक बलांगीर पाटनागड़ रास्ता को अवरोध करते घटनास्थल में पाटनागड़ पुलिस पहुंची तदंत जारी रखी रास्ता रोक होगा फल यात्री माने नहीं नथिबा असुविधार सम्मुखीन होते अल्पके बर्तिले 40 यात्री बौद्ध जिला पुरुणा कटक थाना 57 नंबर जातीय राजपथ रे दुर्घटना चारिछक निकट रे साइराम नामक एक यात्रीवाही बस हाइवा को धक्का देथला बस रे थिबा चारि जण यात्री आहत होछंती। सूचना मुताबक आज भोर सकाळु मालकानगिरी भुवनेश्वर जाउथिबा साइराम नामक यात्रीवाही बस एक हाइवा को पछपटु धक्का देथला
खबर पाई हरभंगा दमकल बाहिनी घटनास्थल पहुंचे आहत को चिकित्सा पाई पुरुणा कटक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करछे। तबे बस रे थिबा 40 जन यात्री सुरक्षित थिबा जना पड़छि। अन्य पटे हाईवा घटनास्थल फरार मारिथिबा जना पड़छि। तबे केउं परिस्थिति रे ए दुर्घटना घटला ए संपर्क रे पुरुणा कटक पुलिस अधिक तदंत करछे। तेज नजर पकड़ बड़ खबर उपरे बहुचर्चित झराफुल हत्याकांड घटन जो दुई जन को अटक रखी पुलिस उभयों अधिक तथ्य जानवापी पचराउचरा जारी रखी। कुआखिया थाना अंतर्गत मूलापाल मिलता झराफुल मृतदेह घटन दुई जन को अटक रखी पुलिस उभयों अधिक तथ्य जानवापी पुलिस पचराउचरा जारी रखी। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ा प्रतिनिधि अनंत महाराणा अच्छा। अनंत पूरा घटना बर्तमान कौन रही देखु बर्तमान आम गोटे गोटे ये गोटे कथ कह पुलिस गोटे बड़ सफलता गोटे मिल सारी दु जन को बर्तमान से अटक रखी आर जहाँ बर्तमान पुलिस रहा कथा आम तदन कर पचरा उचरा कर आउ कौ मैंने संश्लिष्ट अच्छा कि कौन अच्छा आम ठार डिटेल जान ला आम हूँ आपण मानक संपूर्ण रूपे ठीक भाव तथ्य दे पारू कि ये गोटे प्रश्न उठू जेहेतु जो दुई जन स्कूटी आनी दु जन ना से मेन एक्ज अच्छी ना खाली से आसते डेड बडी पकड़ाई आसते केमी भी गोटे प्रश्न उठू कि देखार अच्छे जाजपुर पुलिस कहतु कि कुआखिया पुलिस कहतु जहाँ 24 घंटा भितर दु जन को अटक रखी जोरसोर तर पचराउचरा चली बर्तमान से कौटी रखी ता भी बर्तमान पुलिस बर्तमान जनवाई गणमाध्यम को जनवाई बर्तमान प्रस्तुत भी नुहे से कौन जे देखु जेहेतु यहाँ इनभेस्टिगेशन चली बर्तमान आम आपको से विषय में किसी कही पारूनी जिते बड़े आम ठीक जगह जाए पहुंचला आम आपको ठीक दे पारू। आनंद सब बड़ कथा जो दुई जन को पुलिस अटक रखी पचराउचरा जारी रखी से सूचना आसुच कि देखु जेहेतु पुलिस बर्तमान कहवा कथा जे बर्तमान आम आपको कही पारू ना कि दु जन किए बोली आप खाली एति जानी था दु जन अटक अच्छा कि गोटे प्रश्न उठू जो दु जन स्कूटी आसते से दु जन किपा भाई जहां ना अभोग आनी किए कि साथी किए अच्छा कि किठिकार लोकाल लोक अच्छा भी सहीटा गोटे बड़ प्रश्नवाची गोटे सृष्टि होती पुलिस बर्तमान सफा सफा कही जेहेतु तदंत चली तदंतर भितर आउ कौ मैंने इनवल्व अच्छा यही मर्डर मिस्ट्री भितर आउ कौ मैंने इनवल्व अच्छा आम जब प्रकाश करूँ ताकि तदंतर व्याघात सृष्टि हम से आम बर्तमान यू गोपन रखु आपन टे अपेक्षा करूँ आम जा तदंतर शेष समय पहुंचला आम आपको डिटेल सब विषय आम आपको प्रतिक्रिय प्रकाश करू। आनंद बापा मां प्रतिक्रिया कौन आसू जो भाव से आपड़ा सूचना दौले से किसी जन ना नहीं तेज पुलिस से ठाब कला सहित कथबार्ता है पर सहित कि से ही व्यक्ति कि कौन एभ कि सूचना आसू कि ना ना देखु बर्तमान जिते पुलिस दु जन को काली मध्यरात्रि दु जन को आटक रखिले अटक रखिला बर्तमान से अज्ञात स्थान में रखी पुलिस स्टेशन में भी नहांती अज्ञात स्थान में रखी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी आउ अभिजोग जो जो मान ना अभिजोग आसीला से दु जन भितर अच्छा किंबा जो दुज स्कूटी आनी दुज बर्तमान पर्यंत गणमाध्यम को प्रकाश करना कौन सूत्र भी मिल पारना कारण जेहेतु से दु जन को अज्ञात स्थान में रखी बर्तमान पर्यंत किसी से विषय आम कहटा भूल हो जपर्यंत पुलिस जपर्यंत प्रतिक्रिया न रखी से पर्यंत आम अपेक्षा करने को पड़ो और पुलिस प्रतिक्रिया केत प्रकाश कर दुई जन स्कूटी आनी दुई जन किंबा आउ कौटी लिंक अच्छी जो अभोग जो आसाला जो युवक ना अभोग आसाला सीए कि दु जन स्कूटी जी आनी जदि ये गोटे प्रश्न उठू जेहेतु 24 घंटा भितर दुई जन को अटक रखिला आम अनुमान कर निश्चय ये लोकल लोक होती कारण जहाँ भौगोलिक स्थिति कौच
ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବାଟେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ କଣ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିକି ସେ ସ୍ପଟ ରେ କିନା କଣ ଯୋଉ ସ୍ପଟ ରେ କାଲି ମିଳିଥିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଯୋଉ ପଟରେ ସେ ଯିବା କଥା ସେପଟେ ନ ଯାଇକି ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ପୁଣି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜର୍କା ଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ତ? କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏଠି ଉଠିପାରେ, ବାପ ମା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୁବକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ନୁହେଁ ତ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ। ଏଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଆନନ୍ଦ, ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସେମାନେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ କି ସେମାନେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନି। ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଅଟକ ରଖିଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ସିସିଟିଭି ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜକୁ କାଲି ଯାହା ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରାତି ରାତି ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ନିହାତିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ନା ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆସୁନି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ କାଲି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଗରେ ଯିଏ ଚଲଉଥିବା ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିଏ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରର କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ NH-16 ପାଖରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରତାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ କରିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିନି। ତଥାପି ପୋଲିସର ଆଉ 3ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ନାଁଟି ଆସୁଛି ସୋନାଲି ବୋଲିକି ସେଇ ଯୁବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଜା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କତୁରୁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ମେସେଜ ଚାଟ୍ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମେସେଜଟି ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଝରାଫୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମେସେଜରେ ସେ ଚାଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝରାଫୁଲ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ ତାପରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କର ଭାଇ ଫୋନ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ଝରାଫୁଲର ବାପା ପାଖାପାଖି 12ରୁ 14 ଥର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 12ରୁ 14 ଥର କଲ୍ କରିବା ପରେ ଝରାଫୁଲ ଫୋନକୁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ, ତାପରେ ରାତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନେଇଛି ଯୋଉ 3ଟି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି, ତାର ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିସ୍ମି। ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଝରାଫୁଲ, ତେବେ ଯଦି ପୋଲିସ ସେହି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଯଦି ପୋଲିସ ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ହୁଏତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି କାହିଁକି ଘଟିଲା ପୁରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା।
निश्चित भाव रे, कारण जेतेबेले आमे गतकाली मध्य झरापुलंक बापांग सहित आलोचना करथिलु से मध्य से समान उत्तर रखिथिले जे शेष तरफ पय जेतेबेले झरापुल भुवनेश्वर बस माध्यम रे निज गां को जीवा पय चढ़ीथिले बस सेतेबेले तांका बापा मध्य कांटेक्ट करथिले एवं किछि समय परे से मध्य कहिथिले कि मु बस रु ओल्हे पड़ी मोर कोनोसी देह खराब लागुछि एवं तापर जेहेतु सेतिकार लोकल गार्डियन मध्य से थिले तेणु करके तापर मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होउछि तापर तांकर सहित झरापुल संगरे तांका परिवार लोकंकर कोनोसी जोगाजोग हेइ नथिला एवं जो समान कथा उठुची जो अध्यापक कथा उठुची एवं जो झियोर कथा उठुची से झियो एथिरे संपृक्ति अछि कि नाही कारण से मध्य कहिथिले कि मु जो सोनाली रहिछि तांको घरे ता पाको को मु जाइछि एवं सेठारे विश्राम नेबे पई मु रहिछि एवं हॉस्टल को फेरिबि नाही। तो एही घटना को देखिबा गले निश्चित भाबरे युवती जणकर हात निश्चित भाबरे स्पष्ट भाबरे बारी होउछि अछि कारण जहां आमे खबर वर्तमान नौथिले बारबाटीर किछि लोक मध्य सेठिकार जेतेबेले से एनएच माध्यम रे आसीथिले बारबाटीर किछि लोक मध्य देखिथिले जो युवती जणकु झरापुल जणकु जेतेबेले से स्कूटी माध्यम रे बसे कि आणुथिले से ढळी पडिथिले गोटा आळु एवं लोक माने मध्य तांकु जेतेबेले प्रश्न पचारथिले सेमाने मध्य तार उत्तर रखिथिले कि देह खराब अछि आगरे आम गाडी अछि। तो आगरे आगरे जे चलाउथिले स्कूटी ती चलाउथिले से जणे युवती बोलि कि किछि लोक वर्तमान जहां आमे फोन जोगे जोगाजोग करथिलु किछि स्थानीय लोकंक पाखरु खबर आसुछि जे से आगरे जे स्कूटी ती चलाउछन से जणे लक्ष लक्ष टंका एपरिक हिताधिकारी जानी नहीं किंतु निज नाम उठी टंका शहे कि दुईश नुहे बरम जनक पिछा सतुरी हजार नबे हजार पर्यंत उठे टंका एमाने हेउछन्ति पुरी सदर ब्लॉक भाइलीपुर पंचायत बेदरपड़ा ग्रामर अनु बेहरा धड़िया मल्लिक बालकृष्ण बेहरा एवं धनी बेहरा बोली जहाँ सूचना रही छे। दस हजार मत लुचेकि दुकान पत्र को नहीं गाँ भितर आउ किसी तार वर्ष है सर शब्द किसी नाईपर आंदोलन हवा भितर सी पुणी आसिक मत पचर लक्षे टाँह दाचिले मुझ आनी कि घर करनी आगे अच्छी आ ମୁଁ ମୋତେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ତେର ହଜାର ଉଠିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି ଆଣିନୁ ଟଙ୍କାଟା କିନ୍ତୁ ଦଶ ହଜାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ମୋତେ ଡାକିକି ଦଶ ହଜାର ଦେଲେ ଘର କରିନି ସେ ଦଶ ହଜାର ଅଭାବ ଲୋକ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁ ଆଇଛି ଏତେ ପଇସା ବୋଲି ଦଶ ତେବେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ଦାମନଯୋଡି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଶକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ 2011 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ 2500 ନିବେଶକ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। समस्त रही बुलेटिन के रखा अधिक आप भिजिट करेंगे वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।